हे ऊपर वाले, तेरी अजब है माया, कभी धूप तो कभी छाया। हुसैन, कभी धूप कभी छाया नहीं, कहीं धूप तो कहीं छाया, ऐसा था। देखिए, थोड़ा सा मैंने सिचुएशन के हिसाब से इस फ्रेज को बदल दिया अपने तरीके से, और क्योंकि आजकल मौसम ही कुछ ऐसा है कि मुझे ये बदलना पड़ा। दिन में चिलचिलाती हुई धूप, तो रात के वक्त बारिश हो जा रही है। अब जब ऊपर वाला ही अपने नियम बदल रहा है, तो थोड़ी सी तब्दीली मैंने भी कर दी है, शब्दों में हेरा फेरी कर दी। स्मार्ट। इसके लिए आप ऊपर वाले को नहीं, ग्लोबल वार्मिंग को दोष दीजिए हुसैन, जिसने कुदरत का निजाम बिगाड़ दिया है। ना वक्त पर गर्मी पड़ती है और ना ही सर्दी, बेमौसम बरसात होती है, सो अलग। लेकिन मौसम में आए इस बदलाव का असर घूम फिर कर हमारे शरीर पर ही पड़ता है। सर्दी, खांसी, जुकाम का अटैक देखने को मिलता है। सिर्फ सीजनल रोग ही नहीं, बल्कि किडनी पर भी खतरा बदले हुए मौसम का बढ़ जाता है। क्योंकि ज्यादातर लोग मौसम की जरूरत को भांपकर उतना पानी नहीं पीते, ऊपर से दिन की भीषण गर्मी, बहुत ज्यादा चिलचिलाती गर्मी की वजह से पसीना खूब निकलता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और फिर इसकी वजह से पथरी बनती है। इसलिए इस मौसम में किडनी स्टोन के मामले 50% तक बढ़ जाते हैं। दरअसल शरीर में लिक्विड की कमी से किडनी खून को फिल्टर नहीं कर पाती और टॉक्सिन जमा होने लगते हैं, और धीरे धीरे यही क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक कहा मीनाक्षी आपने, अब इन्हीं क्रिस्टल्स को किडनी स्टोन या पथरी कहते हैं। वैसे पानी की कमी सिर्फ किडनी स्टोन ही नहीं, बल्कि यूरिन इन्फेक्शन का कारण भी बनती है। और दिक्कत इतनी ही नहीं है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पानी की कमी के खतरे को जानकर भी उससे ज्यादा पानी पीने लगते हैं, यानी एक्सेस पानी पीने लगते हैं। उनको भी समझना होगा कि सिर्फ पानी कम पीना नुकसानदेह नहीं है, बल्कि पानी ज्यादा पीना भी खतरनाक है। कैसे, वो मैं समझा देती हूँ। दरअसल ज्यादा पानी पीने पर किडनी को उसे फिल्टर कर यूरिन के जरिए बाहर निकालने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे गुर्दों पर प्रेशर बढ़ जाता है और फिर धीरे धीरे किडनी कमजोर होने लगती है, क्योंकि एक्सेस काम करती है। हमारे देश में पहले ही 40% से ज्यादा आबादी को किडनी की कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई बीमारी है। इसलिए जरूरी है कि शरीर के इस नेचुरल फिल्टर का हम ख्याल रखें। और एक बार किडनी की सेहत अगर बिगड़ी, तो समझिए जिंदगी भर फिर आपको मुश्किलों से झेलना पड़ेगा, यानी डायलिसिस के सहारे जिंदगी गुजारनी पड़ सकती है। ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो चलिए फिदा योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में चलते हैं और यौगिक आयुर्वेदिक उपाय से देश के हर शख्स की किडनी को हेल्दी बनाते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम और आपका स्वागत। यहाँ ढोल नगाड़ों के साथ कर रहे हैं हम, यहाँ कर्नाटक में है, और कर्नाटक के बैंगलोर से हमारे कृष्णाश्रम के ब्रह्मचारी भी हैं, बच्चे भी हैं, और वहाँ के सब हमारे गुरुजन भी। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज ये सब बच्चे भी जब इनको पता लगा कि हम कर्नाटक में हैं, तो यहाँ पर आ गए। बाकी तो हमारे सब योगी भाई बहन भी हैं, और कर्नाटक जो हमारी सनातन संस्कृति का, खास करके भगवान बसवन्ना का और लिंगायत परंपरा से लेकर के हमारे भारत की गुरु ऋषि परंपरा का एक बहुत बड़ा केंद्र है, वेद संस्कृति के रक्षण से लेकर के, और आज यहाँ नैसर्गिक संपदाओं से लेकर के हमारी सांस्कृतिक संपदा, हमारी धरोहर का बहुत बड़ा सम्मान है। उसी के ये पैलेस ग्राउंड है, बरसात होने की संभावना थी इसलिए हमने भीतर ही कर दिया। और मेरे साथ यहाँ अभी तो मैंने थोड़ी संख्या कम कर दी, हजारों भाई बहन सुबह जब पता लगा कि मैं इधर आ रहा हूँ, हमारे एक श्रीनिवास वरखेड़ी जी हैं, उनके आमंत्रण पर मैं इधर आया। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते कपाल भाती, ये दो प्राणायाम भी कर लिए ने, तो जो आप आज बहुत बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे थे, सब कपाल भाती करो, चाहे वज्रासन में बैठ के कर लो, चाहे सुखासन में, चाहे पद्मासन में। जिस बात की आप चिंता व्यक्त कर रहे थे कि किडनी का क्या होगा, किडनी में गर्मी में स्टोन ज्यादा बनते हैं, क्यों? उसमें टॉक्सिन्स ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, वाटर का इंटेक जितना चाहिए उतना कम होता है, पसीना ज्यादा निकलता है और किडनी में स्टोन फॉर्मेशन होने लगता है, कैल्सिफिकेशन होने लगता है, कैल्शियम के कण इकट्ठे हो करके धीरे 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 एक के साथ दूसरा जुड़ता चला जाता है, और कैल्शियम के कणों की कॉलोनी तैयार हो जाती है, उसको किडनी स्टोन बोलते हैं। गाल ब्लैडर के अंदर भी ऐसे ही गर्मी में पित्त बढ़ जाता है तो गाल स्टोन हो जाते हैं,
किसी को तो ये स्टोन फॉर्मेशन पेनक्रियाज में भी हो जाता है, उसके पेनक्रियाज के अंदर स्टोन होता है, एक को तो मैंने देखा गले में स्टोन था, किसी किसी को हार्ट, आप तो किडनी की बात कर रहे थे हुसैन जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, ये कैल्सिफिकेशन हार्ट में भी होता है, हार्ट में कैल्सिफिकेशन होता है ना, तो हार्ट में ऐसे पत्थर जैसे इकट्ठे हो जाते हैं, किसी किसी को ब्रेन में भी कैल्सिफिकेशन होता है, ब्रेन में कैल्शियम वैसे तो नहीं, कैल्शियम जाकर के इकट्ठा होता, लेकिन कोई एक कीड़ा चला जाता ब्रेन में और वो जाकर के वहां पर जगह बना लेता है और फिर बाद में मर जाता है, तो उससे फिर एपिलेप्सी के दौरे पड़ने लगते हैं, वो सारा कैल्सिफिकेशन कपालभाति से। और एक खास बात, अर्जुन की छाल दालचीनी पीने से हार्ट का कैल्सिफिकेशन, ब्रेन का कैल्सिफिकेशन, पूरे शरीर का कैल्सिफिकेशन, और किडनी का स्टोन तो गोखरू के पानी से, अश्मरी हर क्वाथ और रस से, एक लीथोम हमने बना रखी औषधि, और पत्थर चटा से ही दूर हो जाता, और पानी ज्यादा पीना चाहिए, गर्मियों में लगभग 3 लीटर, गर्मी में कितना पानी पीना बोलो, 3 लीटर, और सर्दियों में 2 लीटर, और फिर जिसकी किडनियां खराब हो जाती है तो फिर तो आधा 1 लीटर से ही गुजारा करना पड़ता है बेचारे, एक एक बूंद पानी पीने के लिए और एक एक बूंद यूरिन करने के लिए तरसने लगते हैं। स्वामी जी, कपालभाति किडनी से जुड़ी हर समस्या का, भाई बड़ा जबरदस्त जी, किडनी से जुड़ी हर परेशानी का जवाब सबको मिलेगा और हर एक की किडनी सेहतमंद रहेगी। स्वामी जी, किडनी को मजबूत रखने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं, इसकी शुरुआत तो आपने करवाई दी है, लेकिन स्वामी जी इस मौसम में, खास तौर से जब मौसम बहुत बदल रहा है बार बार, तो इस मौसम में किडनी की परेशानी की सबसे बड़ी वजह होती है पानी की कमी, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके अपने वजन के हिसाब से, बॉडी नीड के हिसाब से कितना पानी पीना है, तो योगाभ्यास करते करते जरा ये समझाइए कि कोई आदमी ये कैसे समझे कि उसको दिन भर में कितना पानी पीना है, और कहीं ऐसी तो नहीं गलती कर रहा है कि वो ज्यादा पी ले रहा है। तो इसमें 2-3 बातें हैं, एक तो ये कि पानी खाली पेट करीब 1/2 लीटर पी लेना चाहिए सुबह, अर्थात 1 से 2 गिलास पानी सुबह सुबह पी लेना चाहिए। कुछ सुबह सुबह 1-1 लीटर पानी पीते हैं, उनसे उनके पूरा पाचन तंत्र माने लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, आंतें और पूरा हार्ट, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है। तो 1/2 लीटर से पानी ज़्यादा सुबह सुबह नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा विधान है, किसी दिन पानी पर भी एक पूरा कार्यक्रम रखेंगे। यद्यपि हमारे इस बॉडी में 70% पानी होता है, लेकिन उससे ज़्यादा या कम हो जाए, बैलेंस बिगड़ जाए तो रोग हो जाते हैं। ज़्यादा सुबह पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के पहले 3 घूंट से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के बाद 1 घूंट से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के बाद गर्म पानी ही थोड़ा सा पीना चाहिए, सामान्य पानी नहीं पीना चाहिए, अथवा छाछ या जूस का प्रयोग करना चाहिए, चाय कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, और खाने के तुरंत बाद तो पानी जो 1-1 गिलास या लोटा भर करके पी जाते हैं, ये कार्यक्रम कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे पानी पीने की मर्यादा है। स्वामी जी, खाने के 1 घंटे बाद फिर पानी जरूर पीना चाहिए, फिर 1-1 आधा-आधा घंटे के अंतराल से थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए, पानी जो है वो धीरे धीरे करके पीना चाहिए। नहीं, स्वामी जी, कंफ्यूजन दरअसल कहाँ है, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि एक हुआ पानी और एक हुआ हमारा लिक्विड इनटेक। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति 50-55 किलो का है, या कोई महिला 50-55 किलो की है, तो दिन भर में उसे कितने लीटर लिक्विड की आवश्यकता है, फिर चाहे वो जूसेस के फॉर्म में जाए, दूध के फॉर्म में जाए, या फिर पानी के फॉर्म में जाए। किसी भी फॉर्म में, दूध के फॉर्म में, छाछ के फॉर्म में, जूस के फॉर्म में, लिक्विड, पानी का मतलब यहाँ लिक्विड समझना चाहिए, किसी भी फॉर्म में आप पानी वाले फल खा रहे हैं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूजा है, खरबूजा है, ये रसीले फल जितने भी हैं, ये किसी भी फॉर्म में एक जनरलाइज कर देते हैं हम, एक सामान्य नियम कि 3 लीटर पानी गर्मी में और सर्दी में 2 लीटर, इससे ज़्यादा पानी ठीक नहीं है। पानी उबला हुआ होना चाहिए, जिनकी वात और कफ की प्रकृति है उनको गुनगुना ही पानी पीना चाहिए, जिनकी पित्त की प्रकृति है उनको सामान्य टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए,
घड़े का पानी पीना चाहिए, फ्रिज का पानी कभी नहीं पीना चाहिए, और हो सके तो जिनको ये मंडूक आसन ऐसे और ऐसे, ये सब अभ्यास किडनी के लिए, और इसको कपालभाति साथ में कर रहे हैं। एक तो ये तरीका है और दूसरा इसमें बाह्य प्राणायाम के साथ, एक कपालभाति के साथ। तो पानी मेडिकेटेड पिए तो ज्यादा अच्छा है। अब देखो, जिनको पेट गड़बड़ रहता है, जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन का पानी पीना चाहिए। जिनको ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर हैं, उनको मेधा क्वाथ या इम्यूनोग्रिट का पानी पीना चाहिए। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स रहती है अक्सर, उनको अर्जुन की छाल दालचीनी का पानी। जिनको पेट की फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर कैंसर जैसे रोग है, तो सर्वकल्प का पानी, हर्निया में भी सर्वकल्प, उसमें अमरूद अनार के पत्ते और डाल देते हैं, दाड़ी मोर जामफल, तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। फिर जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, कायाकल्प का पानी पीना चाहिए। ऐसे अलग अलग पानी के लिए भी हमने बोला हुआ है, और ये सच में मेडिकेटेड वाटर, सामान्य रूप से खीरा और ये पुदीना नींबू का पानी, ऐसे तो अब साउथ इंडिया है तो यहाँ तो नारियल का पानी खूब पीते हैं। नारियल का पानी सबसे अच्छा पानी होता है। मैं तो चाहता हूँ पूरे देश से, दुनिया से कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक सब बंद हो जाएं, सब नारियल का पानी पीना शुरू कर दें तो सब सेहतमंद हो, और यहाँ के किसान भी थोड़े समृद्ध हो जाएंगे, समुद्र के किनारे रहने वाले। उसको देखो, भगवान जी पानी भरते हैं उसके अंदर, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए। अच्छा स्वामी जी, देखिए मंडूक आसन, शशक आसन, योग मुद्रा आसन। जी मेरे भाई, स्वामी जी देखिए, काफी पानी तो पानी हो गया है, तो अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्वामी जी, अब पथरी पर आते हैं जरा। पानी की कमी की वजह स्वामी जी पथरी होती है, तो पथरी शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या उपाय किया जाए, क्योंकि पथरी की बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं। थोड़ी बात शुरुआत में आप बता चुके हैं, लेकिन जरा डिटेल में समझाइए कि पथरी को कैसे निकाला जाए। अब देखो, मैंने लाखों लोगों की पथरी निकाल दी, कपालभाति कराया, ये पॉइंट दबाया, कपालभाति करते करते ये पॉइंट दबा लो, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में पॉइंट होता है, ये पॉइंट दबाने से अपने आप पथरी निकल जाती है। कपालभाति करते करते ये पॉइंट दबाएं, और इसके छोटे छोटे पांच उपाय बता देता हूं। कुलथ की दाल खाना, किसकी दाल खाना, कुलथ की दाल खाना। एक बेटी आई हुई उत्तराखंड से ही, लक्ष्मी की सहेली, बोले स्वामी जी क्या बोलते हैं कुलथ को तुम्हारे यहाँ, गोहद, कैथ, कैथ की दाल, कैथ, कुलथ की दाल, कैथ की दाल, उसका वो उसका उसको उबाल करके, और उसका बहुत गाढ़ी गाढ़ी नहीं, पतली पतली, और कुलथ को पहले रात को भिगो दो, कुलथ की दाल का पानी, उसमें थोड़ा हींग हल्का सा और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के पिला दो, ऐसे खटाखट पथरी बाहर निकल जाती है, एक उपाय। दूसरा, वरुण की छाल, पाषाण भेद, पत्थर चटा, पंचत्रिणमूल, ऐसे गोखरू, इनसे हम एक काढ़ा बनाते हैं, गोखरू का काढ़ा पिला दो, अथवा वृक्कर दोष पिला दो, अश्मरीहर, वृक्कर वृक्कदोषर अश्मरीहर, और एक हमने औषधि बना दी अश्मरीहर रस के साथ साथ, लीथोम, कहीं पर भी स्टोन होता है उसको अंदर से निकाल देता है। इसके ऊपर हमने बहुत रिसर्च किया, करीब 30 वर्षों के बाद सबसे ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ी पथरी की दवा के लिए, एकदम साइंटिफिक पूरे रिसर्च के साथ। और एक दूसरी किडनी के लिए, किडनी जब क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है, यूरिया बढ़ने लगता है, और जो है प्रोटीन लीकेज होने लगता है, रीनोग्रिट, वैसे उसमें चंद्रप्रभावटी, गोक्षुरादि खाने के बाद पुनर्नवादि मंडूर, खाली पेट भी काम करता है, गिलोय गोखरू का काढ़ा भी पिलाते हैं। बेटा आप एक जगह बैठ जाओ, बहुत इधर उधर भागी फिर नहीं, गोमुखासन करो, तो ऐसे ये एक अभ्यास मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक। और पथरी के लिए जौ का प्रयोग करो, जौ समझते हो ना,
जो को क्या बोलते हैं कन्नड़ में? बारले तो अंग्रेजी में बोलते हैं। तो कन्नड़ में लौकी को बोलते हैं सोरेकाई, तोरी को बोलते हैं हिरेकाई। सोरेकाई हिरेकाई जो ज्यादा खाते हैं उनको पथरी ऐसे ही नहीं होती है, सारी बॉडी क्लीन रहती है। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए सोरेकाई हिरेकाई और मज्जिगे। हाँ मज्जिगे तो बहुत अच्छा होता है, छाछ पियो पतली वाली, वो पंजाबी लस्सी नहीं, छाछ, सेंधा नमक डाल के पुदीना के साथ धनिया के साथ। खैर, जो का दलिया, जो का आटा, ये घरेलू उपाय बता रहे हैं। और पानी तो ज्यादा पीना ही है, ज्यादा मतलब 5-5 लीटर नहीं पीना। एक मेरे पास आया, दो रोगी आए ऐसे, 25-25 लीटर पानी पीते थे। कितना? 25-25 लीटर। वो एक बीमारी हो जाती, हार्मोनल इम्बेलेंस होता उन लोगों को, और वो ऐसे टंकी लगा करके पूरा पी जाते पूरा। खैर, तो ये गोमुखासन बड़ा जबरदस्त है, और अर्धमत्स्येन्द्रासन और वक्रासन हमारे श्री कुमार स्वामी जी महाराज अच्छे से कर रहे हैं, योगी जी महाराज श्री शैलम मठ के। ऐसे एक तरफ से ऐसे भी कर सकते हैं, इस सारे पथरी के लिए। और जिनको भी पथरी है उनको कैल्शियम की गोलियां मत खाओ। सबसे ज्यादा लोगों को 50% लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, वो कैल्शियम की गोलियां खाते हैं, वो कैल्शियम अंदर जाके डिपॉजिट हो जाता, पथरी बन जाता है। तो कैल्शियम की गोलियां नहीं खाओ। क्या खाओ? दूध दही छाछ का प्रयोग करो, सिंगाड़े का आटा खाओ, कुट्टू का आटा खाओ, रागी का आटा खाओ, उसमें नेचुरल कैल्शियम होता है। कैल्शियम की गोलियां खाने की जरूरत नहीं है, विटामिन डी की गोलियां खाने की जरूरत नहीं है, धूप में बैठो। तो ये कैल्शियम की गोलियां ये थोड़ी छोड़नी पड़ेंगी, बहुत घोटाला हो रहा है इसमें। जी स्वामी जी। और अर्धमत्स्येन्द्रासन वक्रासन के साथ पवन मुक्तासन। जी मेरी बहन। स्वामी जी, स्टोन को कैसे मेल्ट करना है उसके उपाय तो आपने बता दिए हैं, लेकिन जिन लोगों को पथरी होती है उन्हें जब अचानक से पथरी का दर्द उठता है तो वो बर्दाश्त के बाहर होता है, तो ऐसे में स्टोन के इस दर्द को इंस्टेंटली कैसे कंट्रोल किया जाए, उस वक्त क्या किया जाए जब दर्द हो रहा हो, दर्द से आराम मिले और वो नेचुरल पेन किलर के रूप में काम करे, दवाई लेने की जरूरत ना पड़े, क्या योग में ऐसा कोई उपाय है, ऐसे कोई जादुई पॉइंट्स हैं? एक तो पुनर्थ का पानी मैंने बोला है जी। तो जिनको अक्सर पथरी होती है तो कभी ना कभी तो होती है, तो पता लग जाता है इनको पथरी, तो पथरी वाले जो है एक तो पुनर्थ का मैंने कहा कुछ दिन लगातार सेवन करेंगे तो पूरी निकल जाएगी। पुनर्थ का जो पानी है हींग और सेंधा नमक के साथ पीने से एकदम इंस्टेंट फायदा हो जाता है, नहीं तो लोगों को इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, इतना भयंकर पेन होता है पथरी का, बहुत बड़ा दर्द होता है, जैसे कहते हैं ना आदमी चीखने लगता, प्राण से निकलने लगते हैं, आदमी का जो पूरा संवेदी तंत्र है पेन को एक अनुभव कराने वाले जो शरीर का संवेदना तंत्र है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है उसमें। और पवन मुक्त आसन, स्वामी जी आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच रही है, थोड़ा सा माइक का। तो करो महात्मा जी पवन मुक्त आसन, आप करो, हमारे वचनानंद जी महाराज और कुमार स्वामी जी इनको मैं आज आसन करने में लगा था। तो ये हमारे बड़े बड़े स्वामी हैं, करोड़ों करोड़ों इनके अनुयायी हैं, लेकिन जवान जवान साधु हैं, इसके लिए अभिनंदन है हमारे पंचशाली मठ श्री शैलम मठ के स्वामी जी हैं। लेकिन ये सारे सन्यासी योगी और युवा हैं। तो पवन मुक्तासन एक एक पैर से, दोनों पैरों से, फिर उत्तान पादासन, नौकासन, ये आसन करते करते इंस्टेंट किसी को बेनिफिट चाहिए तो इंस्टेंट बेनिफिट के लिए सबसे अच्छा पेन किलर का काम करता है हल्दी, सबसे अच्छा पेन किलर का काम करता है लहसुन, सबसे अच्छा पेन किलर का आयुर्वेदिक काम करता है पीडानील गोल्ड। बिना पेन किलर के आप उसका प्रयोग करें तो इंस्टेंट फायदा हो जाएगा। वैसे ये दोनों हाथों में, सबका हाथ
वेद में कहा अयम्य हस्तो भगवान अयम्य भगवत्तराहा। तो ये पॉइंट दबाने से इंस्टेंट बेनिफिट मिल जाता है जिनका भी। अब उत्तान पादासन करो महात्मा जी, हाँ रोको नौकासन करो, तो आज महाराज जी की पूरी नैया तर जाएगी। दोनों हाथ ऊपर रखो नौकासन, और ये पॉइंट दबाना इंस्टेंट दोनों हाथों में। कभी भी किसी को किडनी का पेन हो जाए ना, दोनों हाथों की हथेलियों में, दोनों पैरों की हथेलियों में, और ये छोटे उंगली दबाते ही लाभ लो। कहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत, पेन किलर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना जबरदस्त स्वामी जी, मुझे लगता है हर एक की पथरी निकल गई होगी अब तक, और दर्द से भी अब काफी आराम मिल चुका है। तो अब जरा सा ये बताइए कि किडनी में स्टोन की वजह से बहुत सारे लोगों को यूरिन में ब्लॉकेज हो जाती है, तो अब ये यूरिन में जो ब्लॉकेज हो रही है, इस ट्रैक को कैसे क्लियर किया जा सकता है, कैसे क्लियर करना चाहिए? तो देखो, यूरिन के ब्लॉकेज को दूर करने के लिए एक उपाय तो यह है कि ठंडे पानी के अंदर, फ्रिज का ठंडा पानी नहीं, घड़े का ठंडा पानी और नॉर्मल वाटर, ठंडे पानी में हनी मिलाकर पी लो, यूरिन की जलन खत्म। धनिए के पानी से यूरिन की जलन, धनिया, जीरा, सौंफ, व्हीटग्रास, एलोवेरा, लौकी, लौकी का जूस, सोरेकाई का और हिरेकाई का दोनों का जूस भी पिया जा सकता है यूरिन की जलन के लिए। सोरेकाई हिरेकाई दोनों अच्छी हैं। मज्जिके से, मज्जिके बोलते हैं छाछ को, तक्र को कन्नड़ में, तो पूरा इंडिया टीवी पर आज हम थोड़े कुछ शब्द आपके, तुप्पा बोलते हैं घी को, और दूध को हालू, हाँ दही को मसरू, हालू मसरू तुप्पा मज्जी के भेन्ने, गर्मी में हालू खालू मक्खन भेन्ने आलू खालू। तो जो ये यूरिन की जलन के लिए बेस्ट है गोखरू का पानी। हमने कोरी घनवटी, ट्राई घनवटी, धनिया और गोखरू का गोली बना दिया, तो ये भी ले सकते हैं। जिनको यूरिन में बहुत इन्फेक्शन होता है ना, अब मंडूकासन करो महाराज बैठ करके, ये लगातार करो मंडूकासन। यूरिन में जिनको भी जलन रहता है ये बड़ा जबरदस्त होता है ऐसे। तो मंडूकासन तो सबको करना है, और जो के आटे की रोटी खाएं, जो का दलिया खाएं, यूरिन की जलन यूटीआई के लिए, इसके लिए एक और है हमारे यहाँ पर जो है, कई तरह का अचार खाते हैं लोग। आम का अचार सबसे बेकार, नींबू का अचार, आंवले का अचार सबसे अच्छा, और एक और खट्टा खट्टा अचार होता है, क्या बोलते हैं मीनाक्षी जी उसको, करौंदा। करौंदा को पूरी दुनिया में अलग अलग बेरीज खाते हैं, क्रैनबेरी जूस विदेशों में बहुत पिया जाता है, मेडिकली भी बहुत पीते हैं। तो ये मैंने जूस की बात की, तो इधर खरबूजा, तरबूजा, और ये क्या आ गया, खरबूजे का जूस। हाँ ये सब चीजें माल मसाला लाके उधर ही रखो रख दिया है। तो जलन के लिए तरबूजा ज्यादा खाएं, खरबूजा ज्यादा खाएं, नारियल का पानी ज्यादा पिए, और कुछ नहीं तो खाली पानी पी लो, और कपाल भाति करें। कपाल भाति मंडूकासन के साथ करने से आज तक हमको कभी भी यूरिन की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, 55 सालों की बात बता रहा हूं। एक दिन क्या हुआ, मैं पानी पीना भूल गया पूरा दिन भर, और गर्मी का मौसम था, तो एक बार क्या हुआ, ऐसा यूरिन करने जाए तो यूरिन उतरे ही नहीं, तो हमने कहा ये क्या हुआ, तो हमने पूज्य आचार्य भाषण जी से पूछा, तो बोले आपने पानी पिया था, तो मैंने कहा पानी तो आज पिया ही नहीं, तो मैंने फिर ठंडे पानी में हनी डाल के पिया, और 5 मिनट के अंदर
पूरा बांध टूट गया। ये छोटी सी बात है। तो खैर आज के बाद किसी को यूरिन में जलन नहीं होगा। यूटीआई बोलते हैं, बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, उसके लिए कपाल भाती ऐसे काफी पेनफुल भी होती है। अच्छा स्वामी जी, बाकी लोगों के मुकाबले जो हाई बीपी और डायबिटीज के मरीज हैं उनमें किडनी के इन्फेक्शन का डर जो है वो दूसरे लोगों के मुकाबले ज़्यादा होता है, तो ऐसे में जो हाई बीपी और शुगर के मरीज हैं उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उनकी किडनी सेहतमंद रहे, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर और शुगर का जो लेवल है वो भी मेंटेन करने के लिए तीन तीन योगाभ्यास के सेट करना। और शुगर के रोगियों को कम से कम दो आसन तो अवश्य करने हैं, एक का नाम है मंडूकासन और दूसरे का नाम है पवन मुक्तासन, और थोड़ा मरकटासन भी कर लें तो फिर और रिलैक्स हो जाते हैं। तो मैं भुजंगासन और मरकटासन, भुजंगासन मरकटासन आप करो पूज्य स्वामी वचनंद जी महाराज, भुजंगासन और मरकटासन ये दो आसन आराम आराम से हाइपरटेंशन के लिए भी और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। हाँ अच्छे करना है दो महात्मा जी, करो करो, और फिर जब भूख लगे तो उधर पी ले, माल पानी खूब रखा हुआ। हाँ तो भुजंगासन और अब शुगर और बीपी को हम कंट्रोल इन्हीं क्योर करते हैं। क्या करते हैं? शुगर बीपी को क्योर करते हैं। शुगर के लिए मधुनाशिनी और मधुग्रीट, ज्यादा हो जाए तो मधुनाशिनी के साथ इम्यूनोग्रीट और मधुग्रीट के साथ पेनकोग्रीट भी दे देते हैं, और खीरा करेला टमाटर का जूस पिला देते हैं, उसमें गेलो उसमें सदाबहार चिरायता गुड़मार ये सब भी होता है। तो और बीपी के लिए मुक्तावटी और बीपी ग्रीट और लौकी का सोरेकाई का जूस, बीपी क्योर। और मोटे लोगों को बीपी शुगर ज्यादा होता है तो मोटे लोगों को एक तो ये मरकटासन तो कर ही रहे हमारे स्वामी जी, मोटे लोगों को अर्धहलासन पादवृत्तासन द्विचक्रिकासन करो महात्मा जी, आप सीधे उधर पैर करो, अर्धहलासन पादवृत्तासन द्विचक्रिकासन। और महात्मा जी आप और स्वामी जी यही हमारा अगला विषय भी था कि बढ़ा हुआ वजन भी किडनी के लिए बड़ा खतरनाक हाँ, है, तो वजन भी कम करना चाहिए। हाँ किडनी के ऊपर प्रेशर बन जाता है उसका, क्या होता है ना यादर मोटा मोटी को बोलते कन्नड़ में डुम्बा डुम्मी, ये बड़ा मजेदार शब्द है, हम उधर नॉर्थ में बोलते हैं तो एक बार जरूर सबको हंसा देते हैं डुम्मा डुम्मी। और गुंडा गुंडी कहाँ बोलते हैं? आज तो कन्नड़ भाषा की क्लास भी चल रही स्वामी जी साथ साथ। और केरला में तमिलनाडु में गुंडा गुंडी और डप्पा डप्पी डप्पा डप्पी ये नया सिखा दिया डप्पा डप्पी डप्पा डप्पी गुंडा गुंडी डुम्मा डुम्मी जाड़ा जाड़ी फैटा फैटी मोटा मोटी फैटा फैटी तो ये इंग्लिश में हो गया। ये हमारे संतोष जी भी आए हुए तमिलनाडु से और शिव कुमार जी। हाँ अभी 40,000 लोगों का तमिलनाडु में कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ पूरा जोरदार कार्यक्रम होगा। हाँ करो ऐसे, ये कितनी बार करना है रे? 100 बार याद है ए मोटी बहना, आपको तो करना है 500 बार। ये और ऐसे और लेट करके अर्धलासन पाद वृत्तासन द्विचक्रिकासन और उल्टे लेट के भुजंगासन सलभासन, बाकी योगिक जोगिक सूर्य नमस्कार, दौड़ लगाओ तैरो खेलो पसीना बहाओ रोग मिटाओ पसीना टपकाओ रोगों से अपने आप को बचाओ, और जो पसीना नहीं टपकाएगा फिर खुद ही टपक जाएगा। तो ये मेदो हरबटी वेट गो बड़े जबरदस्त है, अश्वगंधा के पत्ते गोधन अर्क साथ में पीले तो क्या कमाल हो जाता है, एकदम आदमी का सारा फैट ऐसे मेल्ट होकर के निकल जाता है जैसे बरसात में सब नदियां नाले सब साफ हो जाते हैं, पेड़ पौधे सब एकदम क्लीन हो जाते हैं ऐसे। तो मोटापा के लिए गर्म पानी पीना, ठंडा पानी नहीं पीना। और थायराइड हो जाए तो क्या करें? मोटापा थायराइड के कारण से भी हो जाता है ना, तो थायराइड हो जाए तो एक तो सर्वांगासन करें, सर्वांगासन है ना, एक ये
ऐसे एक कपाल भाती, तो आप तो कपाल भाती करो महाराज जी, वचनानंद जी उज्जाई, और मोटापा से थायराइड हो तो सर्वांग आसन और मत्स्यासन, ऐसे और फिर ये दाड़ो शेरनियो, कर्नाटक की शेरनियो आरती जी और हमारी सब बेटियां, हमारे भंवरलाल जी, इन्होंने योग की ऐसी अलग जगह रखी है, कोई गांव गली मोहल्ला ऐसा नहीं कर्नाटक का जहां पर योग ना होता हो। रिलैक्स रिलैक्स, एक बार स्वामी जी सिंहासन और एक बार जोर से ठेका लगा के जो हास्यासन करेगा तो पूरे 37 ट्रिलियन सेल्स ऐसे खिल उठते हैं कमल के पंखुड़ियों की तरह। हाँ, और जब रोते हैं ना तब हमारी आंखें, हमारा दिमाग, दिल ही नहीं, 37 ट्रिलियन सेल्स रोते हैं, इसलिए कभी दुखी कभी निराशा में कुंठा में नहीं जीना। जी मेरे भाई हुसैन स्वामी जी, अब प्राणायाम की शरण में आते हैं, हालांकि शुरुआत आपने प्राणायाम से की थी, अब जरा कौन कौन से प्राणायाम गुर्दों के लिए वरदान है एक सेशन उसका करवा दें आप, फिर हम सवालों की तरफ चलें। चलो, हाँ ये जरूरी है। एक तो भस्त्रिका करना, क्या करना सबको, ये 2 से 5 मिनट जरूरी है। दूसरा कपाल भाती, दूसरा क्या करना बोलो, कपाल भाती से तो भाती भाती के रोग दूर हो जाते हैं, और कपाल भाती माथा चमकने लगता है, चेहरे पर शाइनिंग ग्लो ओज तेज आ जाता है, लीवर किडनी स्प्लीन इंटेस्टाइन पैनक्रियास यूट्रस ओवरी प्रोस्टेट लॉन्ग हार्ट थायराइड पैराथायराइड, पूरे अंदर के ऑर्गेन सारे हेल्दी हो जाते हैं, सारे वाइटल ऑर्गेन्स। रोज हमारा वजन बढ़ता है, रोज हमारा बीपी शुगर थायराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, रोज स्ट्रेस बढ़ता है, रोज अंदर कचरा जमा होता है। अभी मैं सुबह सुबह जब बेंगलोर में चल के आ रहा था, इतना सुंदर शहर, पेड़ पौधे अभी भी बहुत हैं, लेकिन लोग बहुत आके फंस गए। कितनी आबादी हो गई है बेंगलोर की स्वामी जी, सड़कों पे तो जगह नहीं है, 3-3 घंटे के जाम लगते हैं। हाँ हाँ, 2-2, 3-3 घंटे के जाम लग जाते हैं, और पूरे कर्नाटक की आबादी 6.5 करोड़, और मुझे लगता है 1 करोड़ से ज्यादा तो यहीं, 1-1.5 करोड़ तो यहीं बस गए कर्नाटक और इसके चारों, बेंगलोर के चारों तरफ। तो देखो, फिर कचरा को सड़कों पर सुबह सुबह खूब पड़ा हुआ था, कचरा है खतरा, तो अंदर का कचरा कैसे निकालना, कपालभाति से, अनुलोम विलोम से, ध्यान से, तन की और मन की जो मैली हो जाती है चादर, वो योग से उसके सारे दाग धुल जाते हैं। जन्म जन्म की मैली चादर योग से दाग छुड़ाऊं, हे पावन परमेश्वर मैं तो योग धर्म अपनाऊं, मैली चादर ओढ़ेंगे कैसे, द्वार तिहारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मैं तो योग से दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़े के कैसे, तो तन के मन के आत्मा के सारे दाग धुल जाते हैं, तन मन आत्मा निर्मल पावन हो जाता है, भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम से, भ्रामरी उद्गीत से, सबकी चादर साफ होगी। और अब बस इसके लिए रोजाना इंडिया टीवी लगाना स्वामी जी, लेकिन प्रश्न बाकी है, बस प्रश्नों का वक्त हो गया इसलिए। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है जी। पहला सवाल स्वामी जी चंडीगढ़ से दीपक का है। स्वामी जी मेरे को हाइटस हर्निया की प्रॉब्लम बताई है डॉक्टर ने, इस प्रॉब्लम में मुझे खाने में और सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है खाते टाइम, इसका उपाय जल्दी से जल्दी बताएं। तो दीपक जी, जल्दी से जल्दी उपाय यह है हाइटस हर्निया के लिए, एक तो योग मुद्रासन, मंडूकासन,
ये दो आसन आप विशेष करना, वज्रासन में बैठ के मंडूक आसन, पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन, नहीं तो नीचे बिना बैठा जाए तो कुर्सी पर बैठ के करना चाहिए। दूसरी बात, हाइटस हर्निया के लिए सर्वकल्प क्वाथ, उसमें 10 पत्ते अनार के और 5 पत्ते अमरूद के, दोनों को क्रश कर लो और जूस निकाल करके पी लो सर्वकल्प के काढ़े के साथ। लिवोग्रीट खाली पेट ले लेना, दो दो बोले लिवामृत खाने के बाद, और पुनर्नवारिष्ट या द्राक्षा सब पी लेना, पेट एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। और हाइटस हर्निया वालों को फिर वो एसिडिटी, खट्टी डकारे और खाना बाहर निकलता है रात को सोते समय, तो अव्युपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, 10 ग्राम मुक्ता शक्ति भस्म मिला करके 2 ग्राम ले लेंगे तो यह हाइटस हर्निया परमानेंट खत्म हो जाएगा। वीटग्रास, एलोवेरा, ये भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लौकी का जूस, जो आपको हाइटस हर्निया से बचाएगा। सोरेकाई, हीरेकाई, लौकी तोरी, टीडा, परवल, चप्पल कद्दू, ये सब खाया करो। अगला प्रश्न आप ले लो, दीपक का, तो दीपक हमने बुझने से बचा दिया है। स्वामी जी अगला सवाल पंजाब से नीरू का है। यार फैक्टर आर्थराइटिस भी है और मेरे लंबी फ्लाइट की वजह से मेरी टांग की नसों में ब्लॉकेज हो गई है और स्वेलिंग भी आ गई है। मैं 1.5 साल पहले आपके पास भी वानी राम में आई थी, कोई उपाय बताइए। वैसे तो नीरू पानी को बोलते हैं, तो पानी का ही कार्यक्रम चला रहे थे आज हम, नीरू जी हाँ नीरू नीर। और आपकी जो जोड़ों के दर्द हैं तो ये सूक्ष्म व्यायाम, एक एक अभ्यास को 10, 20, 25, 50, 100 बार तक ऐसे 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 करना, सूक्ष्म व्यायाम पूरा करना, खाली पेट पिनानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्लाइन। नस नाड़ियों के लिए पिनानिल गोल्ड के साथ न्यूरोग्रिट भी ले लिया और अंदर से कमजोरी बहुत आ गई है तो इम्यूनोग्रिट, इम्यूनोग्रिट एक, न्यूरोग्रिट एक, पिनानिल गोल्ड एक, खाने के बाद ऑर्थोग्रिट पुनर्नवादी मंडूर, ऑर्थोग्रिट पुनर्नवादी मंडूर और ऑर्थोकेयर भी ले सकते हैं, एटीएम की सब्जी, एटीएम की सब्जी और उसके साथ रागी। अब तो रागी पूरा वर्ल्ड फेमस हो गया है कर्नाटक वालों, पहले यहां सोचते थे गरीब लोग खाते, रागी का गोला बना के खाते, रागी मुद्दे। ये हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर देवगौड़ा जी भी रागी मुद्दे खा करके खूब मुद्दे मुद्दे हो गए। तो होटे तुम्बा मुद्दे कनतुम्बा निद्दे, होटे तुम्बा मुद्दे मुद्दे कनतुम्बा निद्दे, कनतुम्बा निद्दे कनतुम्बा आंख बंद पूरा नींद करना, नींद खूब रागी का लड्डू खाओ और खूब सो जा घोड़े से बेच करके। तो ये एटीएम की सब्जी और जितने भी मिलेट्स हैं सबसे अच्छा रागी होता है, इसके सिर्फ अर्थराइटिस कभी नहीं होगा। गेहूं चावल खाएगा जल्दी ऊपर जाएगा। नीरू के बाद अब अगला सवाल कामिनी ने भेजा है अहमदाबाद से, वो भी देख लेते हैं। मेरा 22 साल का बेटा, वो जब चलता है तो उसके पैर से कट 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 एंकल से आवाज आती है, उपाय बताए। इसका उपाय यही है जो अभी पहले उपाय बता रहे थे ना, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, अंदर विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो क्या करें, तो एक तो धूप में बैठा करके इंडिया टीवी लगा लो और फिर धूप में बैठा लो, बाहर के बालकोनी में या कहीं छत पर या घर आंगन है यदि किसी के, तो सुबह सुबह धूप में 1 घंटा जो बैठेगा उसको कभी भी हड्डियां किसी की ऐसे करते हैं ना कट कट नहीं बोलेंगी फिर, हड्डियों की खटपट सब बंद हो जाएगी। बाकी नहीं तो न्यूट्रेला, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, ये सब हम उपलब्ध कराते हैं बोन हेल्थ। और सबसे अच्छा होता है हड्डियों के लिए स्प्रिलुना, अंदर उसके कार्टिलेज को अच्छा रखने के लिए, खटपट को बंद करने के लिए। खाने में मिलेट्स का इस्तेमाल करें, दूध दही छाछ का सेवन ज़्यादा करें, जंक फूड, फास्ट फूड और जितना भी तीखा तला है ना उससे बचें, तीखा तला हुआ अच्छा नहीं होता है। तो कामिनी के भी बच्चे का समाधान बता दिया है, उसको दूध में हल्दी, शिलाजीत या अश्वशिला का भी प्रयोग करते और हड्डियाँ बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो जाएं तो लाख शादी गुग्गल, क्या बताए बोलो, हड्डियाँ बहुत कमजोर हो रही है लोगों की, जिस किसी की हड्डियाँ टूट जाती है, फ्रैक्चर भी हो जाता है, तो दूध में हल्दी शिलाजीत, जैसे हमारे एक भाई हैं लक्ष्मण जी, उनकी हड्डी टूट गई तो हमने उनको बोला दूध में हल्दी शिलाजीत लो और लाक्षादी गुग्गल खाओ, एक ही सप्ताह में सारी हड्डी जुड़ गई। मैंने डॉक्टर ने बोला था 1 महीने आराम करने पड़ेगा, वो 1 सप्ताह में फिर भागने लग गए। ये फायदा होता है इससे।
अगला स्वामी जी, अब सवालों से आगे बढ़ते हैं और अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। झटपट में दूर। किडनी को सेहतमंद रखने के लिए कोई खास जूस आज आप बताने वाले हैं, आप उसकी तैयारी करें। और मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं कि कल क्या खास है। हार्ट अटैक ने फिर डराया, दिल पर खतरा क्यों मंडराया, नसें ब्लॉक, हाई कोलेस्ट्रॉल, सडन डेथ पर कैसे लगेगी ब्रेक, 40 मिनट का योग सेशन, दिल धड़कन का नहीं टूटेगा कनेक्शन। तो जो भी लोग अपने दिल की सेहत को लेकर परेशान हैं, उन सब के लिए कल का हमारा ये शो बहुत ज़रूरी है। कल का ये शो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिएगा ताकि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट की नौबत कभी ना आए। तो स्वामी जी, आज कौन सा जूस है जो हमने पूरी तैयारी कर ली है? जी तो देखो, जूस एक तो तरबूजे का जूस तो सब बनाते हैं, आज हमने बना दिया खरबूजे का जूस। और खरबूजा भी यहाँ का भाई बड़ा तगड़ा तगड़े वाला होता है। हाँ तो महाराज, हाँ ये तो हम महात्मा जी को भोग लगाते हैं, सुबह से मैंने बहुत जूस निकाला सब जूस की। और ये मज्जी के, ए महात्मा जी मज्जी के का मजा लो। और ये सच में ये जूस बड़ा टेस्टी है, बड़ा मीठे वाला तरबूज होता है। हाँ तो ऐसे जो हेल्दी हेल्दी जूस पिएंगे वो हेल्दी हेल्दी रहेंगे। और ये जो है ना नारियल, नारियल का तो पानी पियो और कभी भी इससे, इसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत है। इसका जो फूड वैल्यू है ना, इससे बहुत हेल्दी होता है। तो नारियल खूब पियो और पानी पी करके जो कुछ गड़बड़ करे, ए भंवरलाल, जो नारियल खूब पियो और कोई गड़बड़ करे तो उसके सिर में मारो। तो ये दोनों काम करेगा दुष्टों के, स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है, सिर मुंड फोड़ने के लिए भी। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।